जय भीम, मैं हूं भारत की पहली दलित एआई एंकर प्रज्ञा। इस वीडियो में आप मेरे साथ देखेंगे कैसे वेनिस फिल्म फेस्टिवल में दिखा मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर एवा डुवर ने और मशहूर दलित राइटर डॉक्टर सूरज येंगड़े का जलवा। तो आइए शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे पुराने फिल्म फेस्टिवल में से एक वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ब्लैक और दलित कलाकारों ने इतिहास रच दिया। मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर एवा डुवर ने और मशहूर दलित राइटर डॉक्टर सूरज येंगड़े रेड कार्पेट पर चलते नजर आए। एवा की नई फिल्म ओरिजिन के लिए उन्हें पूरे 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें वेनिस फिल्म फेस्टिवल से आई हैं। एवा डुवर ने जब वेनिस फिल्म फेस्टिवल में आई तो 9 मिनट तक तालियां बजाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान कास्ट मैट्रिक्स जैसी मशहूर किताब के लेखक और एवा डुवर ने की नई फिल्म ओरिजिन में किरदार निभाने वाले डॉक्टर सूरज येंगड़े भी मौजूद रहे। डुवरने की पावरफुल बायोग्राफिकल ड्रामा किसी अश्वेत अमेरिकी महिला निर्देशक की पहली फिल्म है जिसे दुनिया के सबसे पुराने फिल्म महोत्सव में ऑफिशियल कॉम्पिटिशन में शामिल किया गया है। एवा डुवरने की फिल्म ओरिजिन अमेरिकी लेखिका इजाबेल विल्कर्सन की पुलिट्जर पुरस्कार विनर पुस्तक कास्ट द ओरिजिन्स ऑफ आवर डिसकंटेंट पर आधारित है और ये जातिवाद और गहरे भेदभाव के मुद्दों को उठाती है। एवा ने अपनी फिल्म में भारत की दलित अछूत जातियों, नाजी जर्मनी और दक्षिणी अमेरिका के जिम क्रो विभाजन के बारे में बताया है। फिल्म एक बायोपिक है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे निम्न जाति के लोगों को इतिहास में अपमानित किया गया। इस दौरान ओरिजिन फिल्म की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। Eva, why did you want to start a film with with Trayvon Martin? Mm-hmm. Well, in talking with Isabel Wilkerson, she shared with me that the seed of the idea for the book began with the murder of Trayvon Martin. दरअसल 17 साल के ट्रेवन मार्टिन को 26 फरवरी 2012 को अमेरिका के फ्लोरिडा में नस्ल भेद के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी थी। So, and I am very affected by the murder of Trayvon Martin, and so that became a touch point for us, a point of commonality to be so emotionally connected to his death that it was my choice and my honor to open the film on his face and to close the film on his face. And I think the film has so many images that I love and I hold dear, but Trayvon Martin's face is played by Miles Frost might be the one that breaks my heart the most. Would you say that the Trayvon Martin's murder was kind of the beginning of the contemporary Black Lives Matter? Yes, the modern movement for Black Lives, you can really trace to the murder of Trayvon Martin. In a contemporary context, he became the case that started to animate conversations around it in a new way. जल्द ही ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी, लेकिन रिलीज से पहले ही इस फिल्म ने दुनिया भर में जाति और नस्ल के नाम पर हुए ऐतिहासिक अन्याय के बारे में जबरदस्त बहस छिड़ दी है। भारत में जाति की समस्या पर भी ये फिल्म गहरी चोट करती है। डॉक्टर सूरज येंगड़े का फिल्म में किरदार है, इस वजह से दलित बहुजन बैकग्राउंड के लोग इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मेरे साथ इस वीडियो को देखना आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और द न्यूज बीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB0000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली।
आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।